यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद वहां रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के कन्नौज के परिजन परेशान हैं। ये सभी छात्र यूक्रेन के टर्नोपिल में फंसे हैं। छात्रों के परिजन उन्हें लाने के लिए 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बच्चों की जिंदगी को लेकर भयभीत परिजन भारत सरकार से बच्चों को लाने की गुहार लगा रहे हैं। जी, मेरा बेटा 2 महीने से गया हुआ है वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, यूक्रेन तो फंसा पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। और मैंने रिश्वत भी दी है वो TRC बनने के लिए, तो वो भी मेरा पैसा चला गया और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 30,000 रुपये मैंने दिए हुए हैं, हाँ, और तब से ये सब फैसला नहीं हो पा रहा है। मेरा बच्चा किस तरीके से आए, हम ये कहते हैं जल्द से जल्द मेरा बच्चा आ जाए। आपके अपने बेटे से बात की? बेटे से बात होती है, कभी कभार हो जाती है बात। क्या बोला? अब यही बोल रहा है बच्चा, क्या करें यार, कोई सुनवाई नहीं, हम फंसे पड़े हैं बहुत यहाँ पे, मतलब चल रहा है सब कुछ, बहुत परेशान है मैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें मैं, कैसे आऊँ, कैसे निकलूँ, कोई व्यवस्था नहीं है, मैं घर में यहाँ बैठा हूँ। भारत सरकार से किस तरीके की मदद की होती है? अब भारत सरकार बोल रही है कि हाँ जल्द से जल्द निकालेंगे, जल्द से जल्द निकालेंगे, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मेरे जल्द से जल्द बच्चे मतलब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार से मतलब उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपाराम पाल है। बच्चा मेरा आयुष पाल, जो कि 3 वर्ष पहले यूक्रेन में गया हुआ था MBBS के लिए, और वो उस समय से, जैसे जब से ये लड़ाई का माहौल, इस तरह का ये वार के बारे में जानकारी हुई है, तब से बहुत ज़्यादा घर पर भी टेंशन रहती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे ने अभी जो बात की थी उसमें तो अभी तक सुरक्षित है, लेकिन मेरा कुल मिलाकर के सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे यहाँ ही बच्चा एक नहीं है, हमारे यहाँ नगर से गुरसाहेबगंज से लगभग में शायद 7-8 बच्चे होंगे, और जनपद से तो ज़्यादा बच्चे होंगे। तो इन सबको देखते हुए टोटल मिलाकर के ओवरऑल इंडियन स्टूडेंट लगभग 20,000 या 22,000 के आसपास समथिंग में यूक्रेन में हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर बुरी तरह से। अब बच्चों के उसे जीवन से जुड़े हुए जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ पर हैं वो भी परेशान रहती है किस तरह की घटना। तो फिलहाल में अभी तक जो बात की गई उसमें ये पता लगा कि बच्चे सही हैं। अब सरकार केवल ये करे कि ये बड़े कठोर कदम उठा करके और इनको उचित फेयर, जो ट्रिप है, फ्लाइट का चार्ज है, उचित चार्ज में इन बच्चों को वापस लाया जाए। आप बता रहे थे कि आपकी 2 बार फ्लाइट कैंसिल हुई। 2 बार मेरी, मैंने 2 बार क्लब फ्लाइट, जब ये माहौल मालूम हुआ था, 2 बार बच्चे की फ़्लाइट करवा चुका हूँ, उसके बावजूद जैसे दोनों वो कैंसिल हो चुकी है, 1 20 तारीख की थी, 1 28 की थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात यह है, इस समय हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं है। भारतीय लगभग 20-22 हज़ार जो नौजवान हैं भारतीय, जो होनहार हैं, आप समझिए कि जैसे ये कितने परिवार और कितने उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनका जीवन एक बहुत अंधकार और बहुत संकट की घड़ियों में है। तो उसे देखते हुए सरकार को बगैर किसी की पहल के, ये सरकार का उत्तरदायित्व भी है, सरकार से मेरा निवेदन भी है, और सरकार का अपना कर्तव्य भी है कि इन बच्चों को सुरक्षित उचित जो चार्ज है उनमें लाया जाए। अच्छा, आपकी लगातार कितनी बार बात हो चुकी होगी बच्चे से? आज ही बच्चे से बात बराबर हो रही है, लगभग 4-5 बार आज ही बात हुई, अभी 10 मिनट पहले ही बात। अच्छा, कस्बे के जो बच्चे लगभग 6-7 बच्चे हैं, अच्छा, ये आपस में क्या कनेक्ट हो पाए आपस में एक साथ? नहीं, आपस में कोई कनेक्ट नहीं, केवल इनकी आपस में वहाँ बात हो जाती है, बाई फोन से बात हो जाती है, बाकी ये फिजिकली नहीं मिल पाते। जो कस्बे के बच्चे हैं वो भी सब सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है, सभी सुरक्षित है, जो बताया बच्चे ने तो वो सभी सुरक्षित है।